नमस्कार, आज फिर एक नई स्टोरी के साथ मैं हूं आपका लोकल रिपोर्टर सुधीर जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज़ पर ये खास स्टोरी। जी हां, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा ठीक वैसे ही हरियाणा में जन्मी एक लड़की जो 1982 में मिस इंडिया बनी, कॉल गर्ल बनी और पकड़ी गई तो ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन की सरकार हिली और पूरी दुनिया सकते में आ गई। हम बात कर रहे हैं 1982 में मिस इंडिया का खिताब जीत चुकी पामेला चौधरी की, जिसे दुनिया पामेला बोर्डेस के नाम से जानती है। हरियाणा की इस जाट लड़की का सीवी जरा हटकर था। एक गुमनाम भारतीय सुंदरी का रातों रात मशहूर हो जाना जितना रहस्यमयी था उतना ही सनसनीखेज भी। पामेला केस की पहली झलक उस वक्त मिली जब एक मैगजीन ने खुलासा किया कि पामेला चौधरी उर्फ पामेला बोर्डेस नाम की यह लड़की दोहरी जिंदगी जीती है। एक सत्तारूढ़ टोरी पार्टी के एक सांसद की रिसर्च असिस्टेंट के रूप में, दूसरी कॉल गर्ल के रूप में, जिसके बेडरूम के कारनामे किसी घोटाले से कम नहीं थे। ज़्यादा चिंता की बात यह थी कि सांसद की रिसर्च असिस्टेंट होने के नाते पामेला के पास ब्रिटिश संसद का पास था और वो वहाँ बेरोक टोक आ जा रही थी। उसने अपने दोस्त डेविड सुलिवान के जरिए कहलवाया कि वो ऐसे राज जानती है कि अगर वो उन्हें उजागर कर दे तो ब्रिटेन की सरकार गिर सकती है। लेकिन इस स्कैंडल ने भारत में उसकी माँ शकुंतला चौधरी को बहुत परेशान कर दिया था। उनका एक बयान अखबार ने छापा था कि मैं उसे कुत्ते की जंजीर से पीटा करती थी। अपनी बेटी के जिद्दी और बहके स्वभाव के चलते हमने उससे 1982 में ही नाता तोड़ लिया था। थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। पामेला एक मिडिल क्लास हरियाणवी जाट परिवार से थी जिसके पिता मेजर महेंद्र सिंह कादियान सेना में थे और 1962 की लड़ाई में वो शहीद हो चुके थे। उस समय पामेला मात्र 2 महीने की थी। आज भी हरियाणा के माजरा गांव में मेजर महेंद्र सिंह कादियान की शहादत पर मेला लगता है, लेकिन पामेला कभी वहां देखी नहीं गई है। 1982 में मिस इंडिया का ताज जीतकर यह मॉडल न्यूयॉर्क पहुंची और वहां पर वो सऊदी अरब के बदनाम हथियार कारोबारी अदनान खागोसी के संपर्क में आई, जो उस समय दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल था। कई लोगों का मानना है कि खागोसी से उसकी मुलाकात विवादित धर्मगुरु चंद्रा स्वामी ने करवाई थी। लंदन के एक नाइट क्लब पार्टी में ये पामेला द संडे टाइम्स के कुआरे एडिटर एंड्रयू नील से मिली और जब नील ने उनसे रिश्ता तोड़ना चाहा तो गुस्साई पामेला ने उनके कपड़े फाड़ दिए। 57 साल की पामेला अब गोवा में एक 2-बेडरूम फ्लैट में किराए पर रहती है। उनके एक करीबी मित्र ने बताया कि अब वह पामेला सिंह के नाम से जानी जाती है। 2010 में उसके पास सुजुकी वैगनार कार थी। यहाँ बहुत कम लोग हैं जो उनके पास्ट के बारे में जानते हैं। वो यहाँ अब नौजवान लोगों में घुल मिल गई है जिनके 30 साल पहले के उस स्कैंडल से परिचित होने की संभावना कम है। ऐसी तमाम खबरों की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ और अगर आपके पास है कुछ ऐसी स्टोरी जो बन सकती है हमारी न्यूज़ का हिस्सा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। फिर एक नई स्टोरी लेकर हाजिर हूँगा मैं आपका लोकल रिपोर्टर सुधीर जाखड़। हर खबर की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाएं ताकि हर खबर पहुँचे सबसे पहले आप तक।